नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो है 25 जून है, और 25 जून दोस्तों भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, और लोकतंत्र के लिए तो दोस्तों ये काला दिन है। आपको सभी को दोस्तों मालूम है कि 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस टाइम पर दोस्तों देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। अनुच्छेद 352 के तहत दोस्तों इसकी घोषणा जो है की गई थी, और ये इमरजेंसी दोस्तों लगभग 1.5 साल से ज़्यादा, ये इमरजेंसी 1.5 2 साल के आसपास ये इमरजेंसी चली थी। लेकिन फ्रेंड, इस इमरजेंसी में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान में संशोधन हुए थे, कुछ कानून बने थे, उन्हीं के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी 25 जून को, इसके बाद दोस्तों देश में ये इमरजेंसी 1977 तक रही थी, और उसके बाद में चुनाव हुए तो कांग्रेस की जो पार्टी थी, इंदिरा गांधी जी हार गई थी, और फिर दोस्तों देश में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन फ्रेंड्स, इस इमरजेंसी के पीरियड में, इस 1.5 2 साल के पीरियड में देश के संविधान में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे, जिसको दोस्तों हम 42वां संविधान संशोधन बोलते हैं। 42वां संविधान संशोधन दोस्तों बहुत ही बड़ा संविधान संशोधन था। इसको कुछ लोग तो दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसमें फ्रेंड जो संशोधन हुए थे, सबसे बड़ा संशोधन दोस्तों एक था कि ये था कि एक तो जो लोकसभा का जो कार्यकाल था दोस्तों 6 साल कर दिया गया था, और एक फ्रेंड एक जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो संविधान में संशोधन किए गए थे, जो हमारे संविधान में कुछ शब्द जैसे डाले गए थे दोस्तों, एक तो अखंडता प्रस्तावना में, एक दोस्तों समाजवाद, और एक दोस्तों पंथ निरपेक्षता। ये कुछ शब्द दोस्तों जो है संविधान में 1976 में जो है ऐड किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। धन्यवाद।